भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि जनता फिलहाल नकदी उपयोग करने से बचे और लेन देन के लिए भुगतान के डिजिटल साधनों का प्रयोग करे। नगद राशि भेजने या बिल का भुगतान करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए दो लोगों में संपर्क भी होता है, जिसे फिलहाल बचने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को सुझाव दिया है कि वे NEFT, IMPS, UPI और BBPS जैसी फंड ट्रांसफर की सुविधाओं का इस्तेमाल करें जो 2400 घंटे उपलब्ध है। कागज से बने करेंसी नोट महामारी बन चुके वायरस को फैलाने में सहायक साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस विषय में चर्चा हो रही है। लोग विदेशी मीडिया में छपी खबरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बैंक करेंसी नोटों को वायरस मुक्त करने में लग गए हैं। आपको बता दें कि याहू फाइनेंस पर चीन के केंद्रीय बैंक के हवाले से प्रकाशित हुई खबर के अनुसार अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से करेंसी नोटों को साफ किया जा रहा है। इसके बाद इन नोटों को 14 दिनों के लिए सील करके रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें जनता में सर्कुलेट किया जाएगा। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही, जब इस वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक हुई थी, तभी चीन के सभी बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे संभावित रूप से इस वायरस से संक्रमित करेंसी नोट वापस ले लें और उन्हें जीवाणु रहित बनाने का काम जारी रखें। इस वायरस से संबंधित जितनी भी मेडिकल रिसर्च हाल ही में हुई हैं, उनमें से किसी में भी इस विषय पर रिसर्च नहीं हुई है कि करेंसी नोट और सिक्कों के जरिए यह वायरस कैसे फैलता है। वैज्ञानिक समझ यह कहती है कि वायरस ड्रॉपलेट यानी सूक्ष्म बूंदों के रूप में ही मनुष्य की नाक या मुंह के जरिए शरीर में जा सकता है। यानी कोई संक्रमित बिल, नोट या सिक्का हाथ में लेने के बाद अगर हाथों को ना धोएं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है और WHO ने भी इस संदर्भ में यही कहा है। चीन और दक्षिण कोरिया में जब कागज के नोटों और सिक्कों की सफाई का काम शुरू हुआ तो यही सवाल उठाया गया था, लेकिन इसके जवाब में साल 2003 में फैली SARS महामारी के समय हुए एक शोध का हवाला दिया गया। अमेरिका की इस स्टडी में कहा गया था कि SARS वायरस कागज को 72 घंटे तक और कपड़े को 96 घंटे तक संक्रमित रख सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो कागज के करेंसी नोट और सिक्के एक संक्रमित एजेंट का काम तो कर ही सकते हैं और वायरस के फैलने में सहायक साबित हो सकते हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में RBI का डिजिटल भुगतान करने का सुझाव जनता के लिए एक बेहतर विकल्प है, लेकिन जो लोग नकदी के इस्तेमाल से पूरी तरह नहीं बच सकते उन्हें WHO के परामर्श को मानना चाहिए। WHO ने कहा है कि अगर आप संक्रमित नकदी के संपर्क में आते भी हैं तो उसे लेने या देने के बाद अपने हाथ धोकर आप समस्या को टाल सकते हैं। WHO ने जोर देकर कहा है कि जिन देशों में वायरस संक्रमण फैला है वहां के करेंसी नोट या सिक्के हाथ में लेने के बाद अपने चेहरे, मुंह, नाक, कान या फिर आंख को बिल्कुल भी ना छुएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल V4 Innovative को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।